रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी एग्जाम है, इसमें 35,000 वैकेंसीज, जो नोटिफिकेशन है एग्जाम का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से वैकेंसी का 20 गुना शॉर्टलिस्ट करना होता है फर्स्ट लेवल एग्जाम के बाद में। तो 35,000 के हिसाब से 7,00,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब एनटीपीसी में कई सारे कैटेगरीज हैं, तो कुछ छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए। तो जब एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए तो बाकी छात्रों का ये व्यू पॉइंट बना, ये कंसर्न बना कि जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको सिर्फ एक गिना जाए, उनको आप हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुने के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन ना करके इन सबको केवल एक गिनिए। तो ये जैसे ही पॉइंट आया तो रेलवे के जो रिक्रूटमेंट के नोटिसेज हैं उसका जो मैनुअल है उसके हिसाब से कंप्लीट सारे के सारे छात्रों के सामने ट्रांसपेरेंटली रखा गया। और देखिए ये 20 गुने की बात है, 2015 से पहले तो ये मात्र 10 गुना होता था, 15 के बाद में उसको 15 गुना किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिले, और 2019 के बाद में इसको 20 गुना किया गया। यानी वैकेंसी का 20 गुना इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मेन एग्जाम में अपियर होने का मौका मिले। ये विषय है, मुद्दा इसमें यह है, आप ये भी ध्यान रखना, हमें सबको ये भी ध्यान रखना होगा, 1,25,00,000 के आसपास टोटल एप्लीकेशन, दुनिया के बड़े बड़े एग्जाम भी होते हैं उसमें 8-10 लाख एप्लीकेशंस होते हैं, इतना विशाल एग्जाम और एकदम ट्रांसपेरेंटली किया गया, कहीं पे कोई एग्जाम पेपर लीक नहीं, कहीं पे कोई किसी तरह की इरेगुलरिटी नहीं, ये सब अच्छे से हुआ। और रिजल्ट आने पे मुद्दा केवल और केवल है कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने का, बाकी इसमें कोई दूसरी इरेगुलर